अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जनरल टॉपिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे आप अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो थीरीज की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है विद सी डब्ल्यू मिल्स लास्ट थीरीज है, जिनको हमने कल कवर किया था। सो आज हम जो सोशियोलॉजी के जनरल टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और साथ ही इसमें हम देखते जाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर थीरीज कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सो वो भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। सो आवर फर्स्ट जनरल टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी इज इंडिविजुअल कल्चर एंड सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा तो आपने उसके हवाले से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 वेरीफाइड किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस लिखनी है। सो आप इनको बेशक क्रैम कर लीजिएगा या फिर आप इनको समझ के जैसे भी आपको ईजी लगता है याद करने में आप उनको वैसे याद कर लीजिएगा, पर आपने मैक्सिमम 3 डेफिनेशंस ज़रूर लिखनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाई जे मैक्योनिस। कल्चर इज़ वैल्यूज बिलीव्स बिहेवियर्स एंड मटीरियल ऑब्जेक्ट्स दोज टुगेदर शेप पीपल्स वे ऑफ लाइफ। ठीक है, लिंटन का क्या कहना था कल्चर के बारे में? लिंटन का कहना था अ सोशल हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द एडिशन ऑफ वंस पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब हमें इन 2 डेफिनेशन से क्या पता लगता है कि कल्चर क्या है? कल्चर हमारे पास है पर्टिकुलर जो ग्रुप है, पर्टिकुलर जो कल्चर एक ग्रुप कल्चर एक्वायर करता है उसके बिलीव्स वैल्यूज बिहेवियर्स उसके मटीरियल ऑब्जेक्ट्स और उसके अलावा जो ये वैल्यूज़ बिलीव मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उससे जो होता है हमारा कल्चर क्या होता है, इवॉल्व होता है और कल्चर इसी तरह से यू नो सोसाइटी में सर्कुलेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर क्या हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर 2 हैं हमारे पास, एक होता है मटेरियल कल्चर और दूसरा होता है नॉन मटेरियल कल्चर। अब हम देखते हैं कि मटेरियल कल्चर क्या है। मटेरियल कल्चर वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर में आती हैं एंड दोज आर टेंजिबल, जिनको हम टच कर सकते हैं। यू नो जैसे हम देख लेते हैं आर्ट क्राफ्ट, उसके अलावा कैलीग्राफी, डिफरेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं। जैसे यू नो हमारे कल्चर के जो पाकिस्तानी कल्चर है मुग़ल पीरियड्स की जो बिल्डिंग है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, जैसे कि शाही किला, उसके अलावा बादशाही मॉस्क, उसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास यू नो फोर्ट्स हैं वो आते हैं हमारे मटेरियल कल्चर में। उसके बाद नॉन मटेरियल कल्चर में क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर में दोज कल्चरल थिंग्स दोज आर नॉन टेंजिबल, जिसमें हम देख लेते हैं हमारे पास बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा कस्टम्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी पर्टिकुलर ड्रेसिंग्स है डिफरेंट यू नो एथनिक कल्चर्स में, सब एथनिक कल्चर्स में, जैसे पंजाबीज की डिफरेंट है, उसके अलावा जो बलोचीज़ हैं उनकी डिफरेंट है, इस तरह लैंग्वेज भी हर किसी सब एथनिक कल्चर की डिफरेंट है। तो ये हमारे पास आते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। उसके बाद हम देखते हैं कल्चर का फंक्शन क्या होता है। कल्चर डायरेक्ट एंड ओरिएंट बिहेवियर्स। कल्चर जो है वो बिहेवियर्स को डायरेक्ट करता है, ओरिएंट करता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि कल्चर जो है इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो कल्चर के ज़रिए से क्या होता है, बिहेवियर्स जो हैं लोगों के वो डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद है इट इंटरप्रेट सिचुएशंस। ऑब्वियसली कल्चर इज़ अ हेरिडिटी, हमें एक हेरिडिटी की फॉर्म में मिला होता है तो हमें पीछे जो पास्ट है उसमें ये बात हमने एवेल्यूएट की होती है कि पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में हमारे कल्चर में इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो उसी तरह से आप फ्यूचर को विजुलाइज़ करते हुए जो पास्ट को विजुलाइज़ करते हुए हम अपना फ्यूचर इंटरप्रेट कर लेते हैं थ्रू कल्चर। उसके बाद हम देखते हैं इट मोल्ड्स पर्सनैलिटी। कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है। ऑब्वियसली जब डिफरेंट लोगों जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हुए लोगों का कल्चर सेम होगा, जब लोग उन आपस में सोशलाइज़ करेंगे तो कल्चर की वजह से पर्सनैलिटी भी डिवेलप होगी। पर्टिकुलर हम ये बात भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं विद इन द वर्ल्ड, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी पाई जाती है। जैसे कि मुस्लिम कल्चर है, उसके अलावा यूरोपियन कल्चर है। यूरोपियन कल्चर कुछ ज़्यादा लिबरल है, लेकिन जो मुस्लिम कल्चर है दैट इज़ समवट कंजर्वेटिव इन कंट्रास्ट टू यूरोपियन कल्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल्चर के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? जो कि नॉर्मल बिहेवियर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है एक कल्चर में रहते हुए अडॉप्ट करते हैं उसे कहते हैं हम नॉर्म्स। उसके अलावा एग्जांपल हम नॉर्म्स की देख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर में ये रिस्पेक्ट ऑफ एल्डरली पर्सन इज़ अ नॉर्म।
उसके बाद हम देखते हैं कस्टम्स. कस्टम्स आर द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन वाइल लिविंग इन अ स्पेसिफिक कल्चर. ठीक है, रेगुलर जो हम जिंदगी अपनी गुजारते हैं, रेगुलर बिहेवियर्स जो अडॉप्ट करते हैं, उसको हम कस्टम्स कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं जी बिलीव्स. बिलीव्स आर द पर्टिकुलर यू नो सुपर नेचुरल कुछ बिलीव्स होते हैं पर्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों को. तो हर पर्टिकुलर कल्चर में, तो हर कल्चर के डिफरेंट बिलीव्स होते हैं. जैसे हिंदू कल्चर में डिफरेंट बिलीव्स हैं, इस्लामिक कल्चर में डिफरेंट बिलीव्स हैं. एंड दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी. इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आर बिलीव्स इन अ पर्टिकुलर कल्चर. उसके बाद है वैल्यूज़. वैल्यूज़ जो है वो बिलीव्स की टेंजिबल फॉर्म होती है. इनको हम प्रैक्टिकली जब बिलीव्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो दैट बिकम्स वैल्यू. उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेजेस. हर कल्चर की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. उसके बाद स्टोरीज. हर कल्चर की डिफरेंट स्टोरीज होती हैं. जैसे हमारे इस्लामिक कल्चर में जो है सहाबा की डिफरेंट स्टोरीज हैं. उसके अलावा हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है इसमें मुगल पीरियड की डिफरेंट स्टोरीज हैं. सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट स्टोरीज हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. सोशलाइजेशन एंड कल्चर. ये जो सोशलाइजेशन एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये PMS 2021 के अटैम्प्ट में आया हुआ है. सो इसको आप कंसंट्रेट करिएगा. हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस सोशलाइजेशन मेड्स पर्सनैलिटी. ऑब्वियसली हमें ये बात पता है कि जब लोग एक दूसरे से सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी मोल्ड होती है. AB टेलर जो है ही सेड दैट चिल्ड्रन आर कल्चरली ब्लैंक. चिल्ड्रन जो होते हैं वो कल्चरली ब्लैंक होते हैं. ऑब्वियसली चिल्ड्रन जो है वो सोशली इंटरेक्ट अभी नहीं करते. जब वो अपनी यंग एज में आते हैं, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो साथ ही उनकी पर्सनैलिटी डिवेलप होना शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी दे अडॉप्ट. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें डिफरेंट थेरीज हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास साइकोडायनेमिक थेरी है. सिगमंड फ्रायड की ये थेरी है. इसमें इड ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट है. और इसमें इन्होंने बताया है कि जो साइकोडायनेमिक थेरी है कि जो ये तीन पर्टिकुलर कंसेप्ट हैं इड ईगो और सुपर ईगो जब भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो मोल्ड होती है. और जो पर्टिकुलर तीन कंसेप्ट हैं इड ईगो और सुपर ईगो के, ये सोशलाइजेशन की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं. सोशलाइजेशन इनको मोल्ड करती है और फिर ये जो है इन रिटर्न इंसान की पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं. उसके बाद है लुकिंग ग्लास सेल्फ थेरी. ये एज कूले की थेरी है. इनका कहना था कि जो है लोग जिस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ख़ुद को वैसा ही डिफ़ाइन करना शुरू कर देती है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पर्सन को डेवियंट नामों से अगर कोई छोटा बच्चा हो अगर कोई छोटा बच्चा हो, अगर हम उसको डेवियंट नामों से पुकारें, उसे बार बार डेवियंट नामों से उसे पुकारें, उसकी पहचान वो बना दें, तो वो ख़ुद को डेवियंट ही समझना शुरू कर देता है. और फिर वो क्या है डेवियंस की तरफ चला जाता है. और एट द एंड क्या होता है, वो क्राइम परफॉर्म करना शुरू कर देता है. दैट इज़ लुकिंग ग्लास सेल्फ थेरी. उसके बाद है GH मेट की एक थेरी है अबाउट सोशलाइजेशन एंड कल्चर. दैट इज़ वो कहते हैं कि जो विद इन द सोसाइटी जो एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है और उसके रिएक्शन जो है वो सोसाइटी से मांगता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है इंसान की पर्सनैलिटी मोल्ड होती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंसेप्ट है हमारे पास एथनोसेंट्रिसिज्म का. एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है. टेक्निकल नेम फॉर द व्यू ऑफ द थिंग्स इन विच वंस ओन ग्रुप इज़ इन द सेंटर एंड द अदर आर स्केल्ड एंड डिफरेंशिएटेड. ये जेस कमर की डेफिनेशन है. इसका मैं आपको बताती हूँ कि एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है. दैट इज़ द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोपियन कल्चर में ये एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दोज आर द दोज पीपल आर हाई जो कि यूरोपियन कल्चर से बिलोंग करते हैं. उसके अलावा जितने भी कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं दुनिया में, उनको वो सब इन्फीरियर समझते हैं. तो ये जो है हमारे पास एथनोसेंट्रिसिज्म है. ठीक है, एथनोसेंट्रिसिज्म जो है स्टीरियोटाइप डिवेलप करते हैं, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, फिर प्रिजिडाइज डिवेलप होती है. लेकिन एथनोसेंट्रिसिज्म का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से इंटरनल कोहियन विद इन अ कल्चर जो है वो डिवेलप होती है और जो नेशनलिज्म है वो प्रिवेल करता है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो ऑपोजिट है दैट इज़ ज़ीनोसेंट्रिसिज्म. दैट इज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन अ कल्चर. इसकी क्या डेफिनेशन है, कंसीडरिंग वंस कल्चर एज इन्फीरियर. अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले से बता दी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट
आर द रीजंस एंड व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ जीनोसेंट्रिसिज्म. जीनोसेंट्रिसिज्म के रीज़न ये हो सकते हैं कि जो है पर्टिकुलर कल्चर का जो सिलेबस हो वो यू नो अडल्ट्रेटेड हो बाय सम अदर कल्चर्स. जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग मोस्टली ऑक्सफोर्ड की और डिफरेंट ऑक्सफोर्ड की बुक्स यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जो बुक्स हैं यूरोपियन बुक्स हैं या अमेरिकन बुक्स हैं वहाँ से हमारा जो सिलेबस है बोरोड है. तो उसकी वजह से क्या है, पाकिस्तानी कल्चर में जीनोसेंट्रिसिज्म पाया जाता है. लोग जो है पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी खुद ही पाकिस्तानी कल्चर को अडॉप्ट करने से यू नो कतराते हैं, और वो यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और अपने कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं. इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर की इकोनॉमी डाउन हो तभी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है. और इसके अलावा अगर वो डिवेलप ना हो, इलिटरेसी वहाँ पर प्रिवेल करे, पोवर्टी प्रिवेल करे, तो तभी वहाँ पर जीनोसेंट्रिसिज्म प्रिवेल करता है. ये सब चीज़ें पाकिस्तानी कल्चर में पाई जाती हैं. That is why Pakistani considers Pakistani culture as inferior to European culture. सो एस्पायरेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास सब टॉपिक है दैट इज़ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स वंस डिसिमिलर बिकम सिमिलर एंड स्टार्टेड टू शेयर सेम वैल्यूज सेंटिमेंट्स एंड बिहेवियर, दैट इज़ ऑकबर्न एंड इनकॉफ. उसके बाद एक और डेफिनेशन है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कम टू शेयर सेम सेंटिमेंट्स एंड गोल्स, दैट इज़ बेसेंस. अब हम एसिमिलेशन क्या है, जब दो डिफरेंट कल्चर आपस में यू नो साथ में रहना शुरू कर देते हैं, दो डिफरेंट कल्चर के लोग, या आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट ग्रुप्स जो कि दो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, वो आपस में रहना शुरू कर देते हैं, तो उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ और जो सेंटिमेंट्स और जो बिलीव्स हैं वो आपस में इंटरमिंगल करना शुरू कर देते हैं. और जो है क्या होता है, दोनों कल्चर आपस में असिमिलेट करना शुरू हो जाते हैं. पर्टिकुलर कल्चर जो है अपनी डिस्टिंक्टिव फीचर तो रखता है, पर ये क्या होता है कि दोनों कल्चर्स की जो वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, और एक यू नो सिंगल कल्चर की फॉर्म आ जाती है. तो दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. उसके बाद है एकल्चरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स कस्टम बिलीव्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर कल्चर्स. एकल्चरेशन जो है इसका ऑपोजिट है, इसमें जो है एसिमिलेशन हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, होमोजीनियस जो है एक मिक्सचर बन जाता है. लेकिन एकल्चरेशन में ऐसा नहीं होता है. एकल्चरेशन में क्या होता है, जो एक मेजॉरिटी कल्चर होता है वो जो है माइनॉरिटी कल्चर को इनगल्फ कर लेते हैं, और माइनॉरिटी कल्चर के डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं इंटू डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मेजॉरिटी कल्चर्स. अब हम इसके कुछ दो तीन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप पॉइंट्स हैं जिससे आपको इन दोनों की डिफरेंस क्लियर हो जाएगा वो देख लेते हैं. एसिमिलेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, ठीक है. एसिमिलेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस है. इसमें कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी कल्चर नहीं होता, बल्कि दोनों ही जो है इक्वली इक्वल डायमेंशन में कल्चर पाए जाते हैं. इसकी वजह से जो है दोनों कल्चर्स आपस में एक दूसरे के बिलीव्स, आर्टिफैक्ट्स और जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिमिलेशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं ड्यू टू देयर प्रोफेशनल डिमांड्स वो क्या है, कल्चरल उनका जो कल्चर है वो एसिमिलेट होना शुरू हो जाता है. जैसे हम देखते हैं कि वो हर किस्म के कल्चर में फुली पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया जैसे कि होली का कल्चर हो गया जो कि इज़ एन इंडियन कल्चर, उसके अलावा ईद का कल्चर है दैट इज़ अ इस्लामिक कल्चर, वो दोनों में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद एकल्चरेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ओवर चीज़ पाकिस्तानी यहाँ से जाता है किसी यूरोपियन मुल्क में, वहाँ वो यूरोपियन कल्चर के लोगों के साथ यू नो वहाँ का मेजॉरिटी कल्चर ऑब्वियसली यूरोपियन कल्चर होगा, तो वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है. जो क्या होगा, जो उनका पाकिस्तानी कल्चर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से डिसिमिनेट करना शुरू कर देगा, और जो यूरोपियन कल्चर है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा. और जब वो यू नो कुछ अर्सा वहाँ रहेंगे तो उनकी क्या होगी, एकल्चरेशन हो जाएगी. वो पर्टिकुलरली यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे और पाकिस्तानी कल्चर को निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे. सो पीपल, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल कल्चर एंड सोसाइटी, उसका उसके जो थे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू एड समथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज़ let me know in the comment section below too. Your recommendations will be appreciated too. Jazakumullahu khair fi amanillahi. Assalamu alaikum.